माली आप देख रहे हैं द सिनेमा शो, जहां हम आपको फिल्मी दुनिया में घट रही खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। अतरंगी से निपटने के बाद अक्षय कुमार ने आनंद अलराय की रक्षाबंधन पर काम शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले बताया गया था कि इस फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट भूमि पेड़नेकर नजर आएंगी। अब फिल्म की सबसे जरूरी कास्टिंग सामने आई है। रक्षाबंधन में अक्षय की बहनों के रोल में चार हीरोइंस दिखाई देंगी। ये लड़कियां हैं स्मृति श्रीकांत, शाहजमीन कौर और बालाजी सीरीज हूज योर डायरी फेम दीपिका खन्ना और शिकारा वाली एक्ट्रेस सादिया खतीब। इस फिल्म से एक फोटो रिलीज कर इस बात की जानकारी दी गई है। इस फोटो में इन चार लड़कियों के साथ मूंछधारी अक्षय कमीज पैंट और चमड़े की चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल रक्षाबंधन की शूटिंग मुंबई में चल रही है। अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलो को हिंदी में बनाया जा रहा है। शहजादा नाम से बन रही इस फिल्म में अल्लू अर्जुन वाला जो किरदार है वो कार्तिक आर्यन निभाएंगे। लंबे समय से फिल्म की लीडिंग लेडी की तलाश चल रही है, जो अब पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कृति सानन नजर आएंगी। कृति और कार्तिक इससे पहले लुका छुपी में साथ काम कर चुके हैं। हालांकि कार्तिक के लिए राहत वाली बात यह है कि उनके पुराने प्रोजेक्ट्स पर रफ्तार से काम चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों उनके अनप्रोफेशनल रवैये का हवाला देते हुए उन्हें दो फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। मगर ये बात बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई कि कार्तिक की गलती क्या थी। खैर, शहजादा को रोहित धवन डायरेक्ट कर रहे हैं। रोहित वरुण धवन के बड़े भाई हैं। इससे पहले वो देसी बॉयज और ढिशुम जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। शहजादा में कार्तिक आर्यन, कृति सानन के साथ साथ परेश रावल और मनीषा कोइराला भी नजर आएंगे। प्रोड्यूसर साजिद नारियालवाला अक्षय कुमार और अहान शेट्टी को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म से जुड़ी ज्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, मगर साजिद के आइडिया के मुताबिक इस फिल्म में उन्हें दो जेनरेशंस की कास्टिंग जरूरी लगी है, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। साथ में हेरा फेरी फ्रेंचाइजी से लेकर धड़कन और वक्त हमारा है जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब अक्षय सुनील शेट्टी के बेटे अहान के साथ काम करने जा रहे हैं। जल्दी इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा सकती है। अहान शेट्टी को साजिद नारियालवाला अपने प्रोडक्शन की फिल्म तड़प से लॉन्च करने जा रहे हैं। मिलन लुथरिया डायरेक्टेड इस फिल्म में अहान के साथ तारा सुतारिया नजर आएंगी। तड़प तेलुगु फिल्म RX 100 की रीमेक है, जिसे सितंबर तक रिलीज करने का प्लान है। दे दे प्यार दे फेम एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह सोशल मीडिया पर चल रही एक खबर पर भड़क गई। इस खबर में बताया जा रहा है कि रकुल को तेलुगु फिल्मों में काम नहीं मिल पा रहा है। दरअसल रकुल ने अपने करियर की शुरुआत तमिल तेलुगु फिल्मों से की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में एंट्री मारी, मगर तेलुगु फिल्मों में काम नहीं मिलने की फर्जी खबर पर उन्होंने करारा जवाब दे दिया। रकुल ने उस खबर को कोट करते हुए लिखा, पता नहीं मैंने ये कब कहा, मगर दोस्तों साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं, इसमें मैं 6 फिल्में कर रही हूं। अगर आप इतने समय में ज्यादा फिल्में एडजस्ट कर सकते हैं तो प्लीज मेरी टीम की मदद कीजिए। फिलहाल रकुलप्रीत सिंह कमल हासन की इंडियन 2, जॉन अब्राहम के साथ अटैक, अजय देवगन के साथ मे डे और थैंक गॉड जैसी फिल्मों में काम कर रही हैं। इसके अलावा वो ऐलान नाम की तमिल फिल्म और तेलुगु फिल्म, एक अनाम तेलुगु फिल्म का भी हिस्सा है। विद्या बालन की हालिया रिलीज फिल्म शेरनी की खूब तारीफें हो रही हैं, मगर विद्या अब जीवन में आगे बढ़ चुकी हैं। वो अपनी नई फिल्म की तैयारियों में लग गई हैं। ये दो कपल्स के इर्द गिर्द बनी एक रोमांटिक कॉमेडी बताई जा रही है, एक ऐसी रोम कॉम जो सामाजिक स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने वाली होगी। इस फिल्म में विद्या के ऑपोजिट होंगे स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का रोल निभाने वाले प्रतीक गांधी। फिल्म के लिए दूसरे कपल की कास्टिंग अब तक नहीं हुई है। आने वाले दिनों में प्रतीक गांधी तापसी पन्नू के साथ वो लड़की है कहां, अतिथि, भूतो भव और रावण लीला जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वो तिग्मांशु धूलिया की सीरीज 6 Suspects का भी हिस्सा है। इन दिनों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हो रहे इस मैच के दौरान एक पोस्टर देखा गया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रखी है। स्टैंड्स में बैठे लड़कों का एक झुंड वाली माई अपडेट्स नाम का पोस्टर लिए बैठा था। सुपरस्टार अजीत कुमार की आने वाली फिल्म का नाम है वाली माई। इसे मौनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर पिछले एक साल से बन रही इस फिल्म के बारे में मेकर्स ने चुप्पी साध रखी है। इसलिए फैंस अलग अलग मौकों पर वाली माई से जुड़ी अपडेट्स मांग रहे हैं। इससे पहले इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुए टेस्ट सीरीज के दौरान भी फैंस ने आर अश्विन और मोइन अली से वाली माई अपडेट्स मांगी थी। पिछले दिनों अक्षय की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के 20 साल पूरे हुए। इस मौके पर अक्षय ने बताया कि फिल्म के एक सीन में जिस रेसलर से वो भिड़े थे वो असली अंडरटेकर नहीं थे, वो एक्टर ब्रायन ली थे, जिन्होंने अंडरटेकर का रोल प्ले किया था। ये बात अक्षय ने अपने सोशल मीडिया पर बताई। अक्षय के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए असली अंडरटेकर यानी कि मार्क कैलवे ने उन्हें चैलेंज कर दिया है। अंडरटेकर ने लिखा, हा हा, जब आप असली मैच के लिए तैयार हो तो मुझे बताइएगा।
इस मजेदार चैलेंज को अपने अंदाज में जवाब देते हुए अक्षय ने लिखा, ब्रो मैं अपना इंश्योरेंस चेक करके बताता हूँ। अक्षय ने कुछ दिनों पहले अपने इंटरव्यू में बताया था कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी के उस रेसलिंग सीक्वेंस में उन्हें अंडरटेकर को उठाना था, मगर अंडरटेकर बने एक्टर ब्रायन को उठाने के दौरान उन्हें स्लिप डिस्क हो गया, जिसके बाद वो लंबे समय तक पीठ की परेशानी से जूझते रहे। अक्षय की नई फिल्म बेल बॉटम 27 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। कोरोना वायरस पैंडेमिक ने बाकी लोगों की तरह बौने आर्टिस्ट को भी परेशान करके रखा है। मुंबई में तकरीबन 70 बौने आर्टिस्ट रहते हैं जिन्हें फिल्मों में छोटे बड़े रोल्स में देखा जाता है, मगर फिल्मों में काम के अभाव में इन एक्टर्स को मुंबई की सड़कों पर पान की दुकान खोलनी पड़ रही है। अपने साथियों की मदद के लिए ड्वार्फ एक्टर दीपक सोनी ने सोनू सूद से कॉन्टैक्ट किया है। दीपक ने बताया कि सोनू की टीम से उनकी बात हुई है और वो लोग उनकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने मिलकर सलमान खान की बी ह्यूमन फाउंडेशन से संपर्क किया है, उन्हें सलमान की टीम से भी जवाब का इंतजार है। हालांकि इनमें से कुछ ड्वार्फ एक्टर्स को पिछले दिनों सलमान की टीम की ओर से 1500 रुपए की मदद मिली थी। हाजी अली और माहिम दरगाह के ट्रस्टी राजू श्रीवास्तव और सुहेल खानवानी ने भी कुछ बौने एक्टर्स को राशन किट्स मुहैया करवाए थे। इरफान खान की 2005 में बनकर तैयार हुई फिल्म दुबई रिटर्न अब रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में इरफान खान के साथ दिव्या दत्ता, विजय मौर्य, ऋतु शिवपुरी और रजाक खान जैसे एक्टर्स नजर आए थे। ये एक रंगबाज की कहानी थी जो छोटे मोटे हमलों के बाद खुद को डॉन समझना शुरू कर देता है। आदित्य भट्टाचार्य के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म किसी वजह से 2005 में रिलीज नहीं हो पाई थी। फाइनली इसे जुलाई में बांद्रा फिल्म फेस्टिवल के YouTube चैनल पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को फ्री में देखा जा सकता है। अर्जुन रेड्डी फेम विजय देवरकोंडा की पैन इंडिया फिल्म लाइगर आ रही है। पूरी जगन्नाथ डायरेक्टेड इस फिल्म में विजय के साथ साथ अनन्या पांडे नजर आने वाली है। करण जौहर भी इस फिल्म से प्रेजेंटर के तौर पर जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ लाइगर की रिलीज डेट अनाउंस की गई। ये फिल्म 10 सितंबर को पूरे देश के सिनेमाघरों में उतरनी थी, मगर पैंडेमिक की वजह से थिएटर बंदी के बाद मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट दोबारा विचार करेंगे। मगर इस सब के बीच लाइगर को सीधा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए बड़ा ऑफर मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को सीधा ऑनलाइन रिलीज करने के लिए 200 करोड़ रुपए का ऑफर मिला। इसमें लाइगर के OTT के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ वर्जन के सैटेलाइट राइट्स भी शामिल हैं। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने अभी तक लाइगर की रिलीज डेट को लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अब भी लाइगर के सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीदें बरकरार हैं। द सिनेमा शो में आपके लिए आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।